नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। अगर आपको मेरे पसंद है लाइक से जरूर करें मेरे वे तो वीडियो को तो जरूर देखें, चाहे मेरे स्ट्रेटेजी को मैं टेक्निक को अच्छी तरह से समझ पाए। थोड़ा वीडियो को पॉज करके देखिए, हमें यहाँ वाइट प्ले क्या होगा, ब्राइट प्ले क्या होगा, यह मैं इस वर्ष विशेष F3 बता रहा हूँ। क्या यहाँ पे ब्लैक के पास एक बिशप एक पॉन है और वाइट के पास एक बिशप है, तो क्या वो जीत सकता है ब्लैक? वो किस तरह जीतेगा, चलिए वो देखते हैं। तो पहले किंग अपना किंग C5 करके शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे हम अपना बिशप को डेवलप किए बिशप F6 करके। तो यहाँ पे बिशप वाइट बिशप भी जो इम्प्रूव नहीं था वो अब डेवलप हुआ बिशप A5 करके। तो हम अपना किंग को फिर आगे बढ़ा दिए कि ताकि बिशप को रोक सके, उसका किंग को रोक सके और अपना पॉन को भी प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। फिर वो बिशप डी टू से मेरा पॉन को रोकने का प्रयास कर रहा है। तो हम क्या किए, जब हम किंग को जो बढ़ाए थे अब बिशप को बढ़ा रहे E5 करके, कि हम जो बिशप रोक रहा है उस बिशप को हम रोक सकें। देखिए बिशप G5 किया, तो हम क्या किए फिर किंग F5 करके उसको और भागाने का कोशिश कर रहे हैं। तो और भागा किंग H6 करके, तो अब हम एक्सचेंज करने के लिए उसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा वो करेगा नहीं, तो उसको फिर मजबूरी में जाना पड़ा किंग बिशप F8। अब हम क्या करेंगे, अपना पॉन को बढ़ा पाएंगे। देखिए हम बढ़ा दिए, इसी तरह से हमको पॉन को बढ़ाना है और बिशप को घुमाना है। तो उसके लिए फिर किंग D4 किया, तो फिर हम पॉन आगे बढ़ाए G4 करके, तो फिर वो किंग D3 करके आगे बढ़ा, तो फिर हम पॉन आगे बढ़ा देगी G3 करके। यहाँ पे वो फिर रोकने का प्रयास किया है। फिर देखिए दोस्तों, तो हमको क्या करना है, बिशप C7 करके फिर उसको रोक रहे हैं। तो यहाँ पे किंग G4 करके रोक रहे हैं, फिर आगे बढ़े किंग पॉन को सपोर्ट कर दिए, तो आगे नहीं बढ़ेगा। किंग E3 किया, तो हम किंग H3 करके आगे बढ़े, किंग D4 किया, तो फिर हम यहाँ पे क्या किया दोस्तों, हम किंग H2 करके आगे बढ़ गए और सामने आ गए कि वो उसका बस एक ही मोटो है मेरे पॉन को मारना, और मेरा बस एक ही मोटो है उसका पॉन से अपना उसका बिशप से अपना पॉन को प्रोटेक्शन करना। तो वो कौन करेगा, मेरा ब्लैक बिशप करेगा। कैसे, देखिए हम D4 अब हम ऐसे बढ़ाएंगे, वो पॉन को मार देगा और गेम ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरा प्लान तो कुछ और है, तो किंग बिशप D4 किया, तो हम किंग H1 कर दिए, यहाँ पे किंग C2 पहुँचा, तो समझ गए दोस्तों मेरा प्लान क्या था। अब उसका बिशप को हम इस डायगोनल से भगाएंगे, लॉन्ग डायगोनल से भगाएंगे। देखिए कैसे किंग B2 जैसे ही आया, तो हम किंग G1 करके अब देखिए उसको हम इस डायगोनल से भगाएंगे, वो भागना फोर्स होगा। यहाँ पे किंग C3 जैसे ही किया, तो दोस्तों इस ये डायगोनल हम पकड़ लिए। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, किंग B3 किया, यहाँ पे क्वीन बना लिया। अब मेरे पास क्वीन बन गया दोस्तों, और उसके पास क्या है, किंग बिशप, मेरे पास क्वीन बिशप और किंग। तो यहाँ पे किंग A2 आया, तो हम किंग G2 करके चेक मारे। यहाँ पे किंग A1 आया, तो हम क्या किया, किंग F1 करके चेक मारे। किंग A2 आया, तो फिर हम किंग C4 करके चेक मारे। फिर B2 गया, तो हम क्या किए, फिर हम किंग D3 किए, तो यहाँ पे वो डायगोनली भाग गया किंग H8 करके। तो किंग B5 करके चेक मार दिए, फिर किंग C2 गया, फिर C6 करके मारे, फिर किंग D3 गया, तो फिर हम किंग D7 करके मारे। फिर वो इस तरह से हम एक्चुअली में हम ब्लैक उसका ब्लैक बिशप को मारना चाहते हैं, इसलिए उसको मिलता तो घुमा रहे। फिर हम चेक मारे, तो वो कहाँ गया, किंग B5 गया, तो हम अपना ब्लैक बिशप बचा लिए किंग B3 करके, तो वो भी अपना ब्लैक बिशप बचाया A1 करके। फिर हम चेक मारे किंग C5 करके, तो फिर किंग A4 गया, तो हम फिर क्या किए, किंग A7 करके चेक मारे, तो यहाँ पे किंग B3 गया, तो फिर उसको मार दिए। तो फिर दोस्तों क्या हो, किंग टू A1 मारा, तो वो किंग C4 गया, तो फिर हम क्या किए, किंग D4 करके फिर चेक मारे, फिर किंग B3 गया, तो फिर हम क्या किया, फिर किंग C1 किए, तो फिर किंग C2 गया, तो फिर हम क्या किए, फिर उसको चेक मारे C4 करके, फिर वो B1 गया, तो फिर उसका जगह को घेर दिए। अब जैसे ही वो A2 गया,
तो हम किंग बी टू करके चेक मार दिए। अगर आपको पसंद आया लगे तो जरूर करें, मेरे को तो जरूर देखें। तो मैं इस लाइक को मेरे तकनीक को धन्यवाद।